मौसम देख रहे हो आप, कितना सुहाना है, बारिश वाला मौसम हो रखा है। दो तीन दिन से ऐसा ही हाल है, जब से कोलकाता में वो साइक्लोन आई है यहाँ पे बारिश वाला मौसम है। वैसे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं मतलब खुश भी हूँ, कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि कल ही मेरे ऑफिस से मुझे मैसेज आया कि अब से ऑफिस खुलेगा। तो जितने भी बिहार में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बाइक के शोरूम, कार के शोरूम, वो अब खुलेंगे सप्ताह में तीन दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक। तो मैं बहुत खुश हो गया, चलो अब एटलीस्ट घर पे तो नहीं बैठेंगे और बाहर जाके मतलब किशनगंज देख पाएंगे अब, और काम वाम भी करेंगे। तो उस समय तक तो रात भर में खुश था, सुबह को रियलाइज़ हो रहा है कि ये क्वारंटीन के वजह से, लॉकडाउन के वजह से ना आदत हो गई थी घर में रहने का, आराम से बैठो, खाओ, पियो, सो, पबजी खेलो मस्त। तो हमारे भाषा में सो कोरिया बोलते हैं, लेजी हो गए हैं पूरा। तो आज सुबह 7:30 बजे उठा मैं, अभी 8:30 बज रहे हैं। तो 7:30 बजे उठ के पूरा तैयार व्यार होना पड़ा, नहाना पड़ा, तो बहुत अजीब लग रहा था मेरे को कि लग रहा था मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्या दरकार है इसका। तो आज चलते हैं, इतने दिन बाद ऑफिस जाएंगे, 2 महीने बाद मैं मतलब किशनगंज के वो एरिया में जाऊँगा, सुभाषपल्ली, पश्चिम पाली क्रॉस करूँगा, देखते कैसा नज़ारा वहाँ पर, 2 महीना में कुछ बदला है कि नहीं। तो बड़ा मज़ा आएगा आज के ब्लॉग में, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट पे ज़रूर शेयर करना, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और बाहर निकलो तो अपने साथ सैनिटाइज़र और मास्क ज़रूर रखो। ऑफिस में भी है मेरा सैनिटाइज़र, लेकिन अपना प्रिकॉशन सही रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इतने दिन बाद जा रहा हूँ तो देखता हूँ वहाँ का नज़ारा क्या है। तो अभी नाश्ता वास्ता करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। मम्मी इतना बड़ा सिंदूर क्यों लगाई हो? आज वर्ष सावित्री पूजन है, इस कारण। क्या होता है इसमें? हर स्त्री जो में सुहागन होती है, अच्छा, उनके लिए पूजा है वर्ष सावित्री के लिए, पति के लिए। पति के लिए, अच्छा, पति होने का बहुत फायदा है भाई साहब। आज वैसे अलविदा जुम्मा भी है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं ऑफिस जाऊँगा तो इसके बारे में बात करूँगा। तो आप सभी को शुभकामनाएँ और आई होप आपका ईद बहुत अच्छा मने और खुश रहे, जल्दी से कोरोना वायरस चला जाए। अभी नाश्ता करते हैं जल्दी जल्दी। सलाम वालेकुम महबूब भाई। सेम 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 मास्क। तो आज महबूब भी आए हैं मुझे लिफ्ट देने के लिए, इतने दिन बाद जा रहा हूँ ऑफिस, अब देखता हूँ कैसा है नज़ारा किशनगंज मार्केट का। तो किशनगंज का नज़ारा सुबह सुबह, अभी 8:45 हो रहे हैं और भीड़ देखिए। तो जितने भी एसेंशियल फूड आइटम के स्टोर है उसमें बहुत सारा भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई मतलब नहीं है। और कपड़ों की दुकान भी खुल रहे हैं, आई थिंक परमिशन मिल गया है, बाकी अब तो ऐसे जीना ही पड़ेगा। कितने दिन तक घर में रहेंगे लोग, सबके पैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो काम वाम तो करना ही पड़ेगा। भीड़ देख रहे हो, भीड़ लग रहा है, यहाँ पे कोरोना से कुछ इन्फेक्शन हुआ है। काफ़ी लोग ने मास्क पहना है, काफ़ी लोग ने नहीं पहना है। मेरा और महबूब भैया का मास्क सेम है। कितने दिन बाद, मतलब 2 महीने बाद मैं इस रोड पे आया हूँ और कुछ चेंजेस नहीं है, वैसे ही गंदगी है, जो जैसा था वैसा ही है। अब ऑफिस पहुंचने वाले हैं, पहुंच के बात करते हैं। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं अपने शोरूम, अपने ऑफिस, और पहला नज़ारा देखिए, तहस नहस हुआ हुआ है, सारा बैनर उन्हें टूट गया है। 2 महीने बाद का नज़ारा, कितने दिन बाद आए हैं, और ये देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, टूट फूट गया। 2 महीने बाद हम लोग आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो ठीक ही लग रहा है भैया, आपको आने दीजिए। सेम सेम मार्क्स, 2 महीने बाद शोरूम खोलेंगे, शोरूम में पता नहीं क्या है, नहीं है इसका अंदर। शोरूम का हाल थोड़ा बुरा लग रहा है और बहुत लेजी हो गए हैं 2 महीने बाद, मुझे तो लग रहा है मैं काम भूल गया हूँ। तो अब सिस्टम ऑन करूँगा, सब चीज़ याद आ जाएगा। अब भैया तो आए नहीं है, भैया का वेट करते हैं। ओके, तो शुभारम्भ हो गया, खुल गया शोरूम, जय श्री राम। 2 महीने बाद
सच बोलो तो भाई साहब घर से बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। 2 महीने बाद ऑफिस में बैठा हूँ, कम से कम बोर तो नहीं होऊंगा यहाँ पे। अब मेरे जितने भी ऑफिस के लोग हैं सबसे मिल के साथ में रहेंगे, मस्ती करेंगे, काम वाम करेंगे। घर में बैठ बैठ के बहुत बोर हो गया था, तो अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी तो 2-3 प्रॉब्लम हो गई है, लाइट कट गई है, इंटरनेट ख़त्म हो गया है, उसके बाद सॉफ्टवेयर वगैरह को रिन्यू करना है, तो बहुत सारा काम पेंडिंग है। आज पूरा काम ये सब सही करना होगा। तो चलेगा ऐसे ही सीन, देखते आगे क्या होता है। तो ऐसे ही जीना सीखना पड़ेगा मास्क वॉक्स लगा के। तो ठीक है, अभी तो कस्टमर आज शायद ज़्यादा नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ेगा तो फिर आना स्टार्ट करेंगे। शोरूम में सैनिटाइज हो रहा है, इतने दिन बाद शोरूम खुला है तो ये इम्पोर्टेंट है। सब बाइक्स भी मार दीजिए। पोस्टर बन चुकी है प्रिकॉशन के लिए, अलग अलग पोस्टर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के लिए बिना परमिशन के एंट्री रद्द है। जहां तहां ना थूके, कुछ भी सामान बिना परमिशन का या बिना जलका का ना छुए, सिगरेट नहीं पिए, आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर है। ये सब अभी अपने शोरूम पे लगाएंगे। वर्कशॉप में लगा दिया है हम लोगों ने पोस्टर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब लगाना, क्योंकि लोग आते तो अक्सर यहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सर्विसिंग करने के लिए और कुछ मेंटेन नहीं करते हैं, तो यहाँ लगाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग इन सब चीज़ों को देखें और मेंटेन करें। मिट्टू भैया ये बताइए, 2 महीना बाद आप ऑफिस आए, आपको कैसा लग रहा है? नया जैसा मजा आ रहा है घर में बैठते हैं उससे। घर तो बोर हो गए, आपको ये टिकटॉक वाले अभी भी टिकटॉक देख रहा है, ये टिकटॉक को सपोर्ट करता है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, 2 महीने बाद आराम से ऑफिस में बैठो। तो आज तो पोस्टर वगैरह बनाया, लगा दिया अच्छे से, फुली सेफ। ये देखो पोस्टर लगा हुआ है, फुली सेफ। सेफ है, प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, अभी तो ज़्यादा लोग आ जा ही नहीं है, लेकिन अब उस चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सैनिटाइजर वाला मशीन वगैरह लगेगा ऑफिस में, ताकि हम लोग भी सेफ रहे, कस्टमर भी सेफ रहे। और अब इसके साथ ही जीना है तो एडमायर करना होगा इन सब चीज़ों को, अपना प्रिकॉशन अपने हाथ में है। 3 बज गए और ऑफिस बंद हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, सामान वगैरह हम यहाँ पे बांटा जा रहा है उसके लिए। अब हम लोग घर जा रहे हैं, अब बाज़ार का कंडीशन देखेंगे। सारे दुकानें खुले हैं, चाहे वो जूतों के हो, चप्पल के हो, कपड़ों के हो, सब खुला है। यहाँ खरीदारी हो रहा है, ईद की खरीदारी हो रही है। प्रशासन तो मुझे दिख रहा नहीं है। ओहो, प्रशासन आ रहे हैं तो सबको इधर उधर बंद कर रहा है कि भाग रहे, भाग रहे। हाँ जी, घर पहुँच गया हूँ मैं। देखो आज का मौसम, आज सारा दिन पूरा बादल 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 ही रहा है। जब से वो साइक्लोन वाला सीन हुआ है तब से यहाँ का वेदर ऐसा ही है। आज तो बारिश तो हुई नहीं, लेकिन ये ऐसा मौसम बना रह गया। आज तो पूरा मार्केट खुला था, लग ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन है, शायद ईद के कारण खुला होगा, या वो आज लास्ट फ्राइडे है बोल के तो सारा मार्केट खुला होता। जब पुलिस आ रही थी तो वो लोग जल्दी जल्दी शटर बंद कर रहे थे। और इतने दिन बाद घर से बाहर निकला तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, प्रिकॉशन मैंने पूरे ले रखे थे तो बहुत अच्छा लगा। इतने दिन बाद ऑफिस गया तो बड़ा मज़ा आया। मैं ऐसे भी सुबह सुबह 5 बजे उठता हूँ अभी मॉर्निंग वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं रूटीन बहुत ख़राब हो गया था, बहुत इनडिसिप्लिन वाला सीन। मैं 10 बजे सो के उठ रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए तो हम दोस्त लोग मिलके कुछ दो चार दोस्त मिलके मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। तो सबसे पहला दिन जो उठा था सुबह सुबह तो मेरे साथ केस हो गया। पापा सुबह सुबह ही टोक दिए कि थोड़ा बाल कटा लो, अच्छे नहीं लग रहे हो, ये वो। तो सुबह सुबह पापा का बात तो काट नहीं सकता था, तो पापा मेरे को लेके गए सैलून के पास।
और मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरा कोई सर पे हाथ रख के बाल बाल काटता है तो वो वाला सिचुएशन में मुझे थोड़ी नींद आती है, और मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम था, आदत तो थी नहीं, तो नींद तो उस समय भी थी। तो मैंने उनको बोला था बस छोटा छोटा, क्योंकि मुझे बाल बड़े रखने थे, तो मैंने उनको बोला था बस साइड साइड से जो रफ हेयर है उनको काटना। वो मेरा बाल जैसे तैसे काट दिया। तो आपको भी मेरे थोड़े हेयर्स में चेंज आ रहे होंगे मेरे लास्ट ब्लॉक से, ये वाले ब्लॉक में। तो अब अपने ही खेती है, फिर से आ जाएगा। तो साइड साइड से छोटा कर दिया उन्होंने, बस ऊपर से जो है उसको भी थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है। तो मुझे तो बाल बड़े करने हैं, बाकी सब सही चल रहा है। अभी तो अल्टरनेटिव डेज में ऑफिस जाऊँगा, मंडे को जाऊँगा डायरेक्ट, आज तो है फ्राइडे। बस इतना ही इस ब्लॉग के लिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इतने दिनों बाद मैं बाहर निकला, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मैं अपने मतलब ऑफिस के एरिया वगैरह में देखा, चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं आई है, बस थोड़ी हरियाली हो गई है कुछ कुछ जगह में। तो आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।